तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक आसान क्वेश्चन है। और इस आसान क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हेडिंग नहीं लेंगे। रटा रटा है, फार्मूला हमें याद है, उसी को अप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों। कहता है कैलकुलेट द आर्बिटल एंड इसके वेलोसिटी फॉर द मून। तो सबसे पहले आर्बिटल और इसके वेलोसिटी मून का कैलकुलेट करो, और ये जो रिजल्ट आता है उसको कंपेयर करो अर्थ से। तो सबसे पहले एक सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये मान लेते हैं ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो अगर अर्थ के अराउंड कोई पार्टिकल चक्कर लगाता है मेरे भाई, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अर्थ है, अर्थ के अराउंड अगर कोई पार्टिकल चक्कर लगाता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी और इसके वेलोसिटी कितनी होगी। और ये रहा मून, मून के अराउंड अगर कोई पार्टिकल चक्कर लगाता है तो वो, ये जो मून है, इस मून के अराउंड अगर कोई पार्टिकल चक्कर लगाता है तो वो, ये वाली जो चीज़ है मून, ये मून है और इसके अराउंड अगर कोई पार्टिकल चक्कर लगाता है तो वो ऑर्बिटल और स्किप कितनी होगी, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम अर्थ का लिख देते हैं, और याद रखना है बहुत क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो फॉर अर्थ के लिए लिख देते हैं। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ई फॉर अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ अंडर रूट, इट इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ के बहुत क्लोज पार्टिकल है, तो ये आ जाता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वैल्यू के आसपास आ जाता है, ठीक है। और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी देखोगे, अगर इसके वेलोसिटी देखोगे, इसके वेलोसिटी क्या होता है, अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दो मेरे भाई, अर्थ से अगर मैं किसी इसके वेलोसिटी को फेंक दिया किसी, तो वो जस्ट इन्फिनिटी को पहुंच जाता है। यहाँ इन्फिनिटी पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो उसको इस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस्केप वेलोसिटी जो है वो अर्थ के लिए जो आ जाती है वो 2 टाइम्स g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ और ये सब कुछ अंडर रूट, जब ये सारे कांस्टेंट रखते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है वैक्यूम में, ठीक है। तो ये कहानी रहा अर्थ का। और अगर मून का कंपेयर करोगे तो फॉर मून, यही डेटा मून के लिए लिखो, फॉर मून, तो जो मून के लिए लिखोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मून, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है जी मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो जी और मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून रखोगे तो 1.67 आ जाता है, तो 1.67 × 10 किलोमीटर पर सेकेंड ये आ जाता है। मून जी की वैल्यू रखो, मास ऑफ मून रखो, रेडियस ऑफ मून, और इसके वेलोसिटी फॉर मून जो आ जाएगा वो 2 टाइम्स g मास ऑफ मून और ये रेडियस ऑफ द मून अंडर रूट, ठीक है। ये सारा, तो ये सारी अगर वैल्यू रखोगे तो ये आ जाता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली क्या आ जाता है, दैट इज द इसके वेलोसिटी फॉर द मून। तो मेरे भाई कंपेयर कर लो ना, अर्थ अर्थ के अर्थ से किसी बॉडी को, मून है तो इसका मतलब ये हुआ कि मून से अगर किसी बॉडी को फेंकते हो और वो इन्फिनिटी पे चली जाती है, बात आ रही है समझ में, मून से किसी बॉडी को फेंकते हो और इन्फिनिटी पे चली जाती है तो उसकी इसके वेलोसिटी कितनी आती है, तो उसकी इसके वेलोसिटी आती है 2.375, और अर्थ से फेंकते हुए इन्फिनिटी पे जाती है तो 11.2 आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है भाई।
ठीक है, उसी तरह से कोई सेटेलाइट है जो अर्थ के बहुत करीब है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर के आसपास होती है, और कोई सेटेलाइट जो मून का केवल चक्कर लगा रहा है वो 1.67, जो कि बहुत ही कम है अर्थ के कंपेयर में। तो आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ गया हो इस क्वेश्चन को, और आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट लाइक बटन करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।